वीएसपी से बगावत कर पार्टी छोड़ चुके स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी से जुड़ने की अटकलों के बीच आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मौर्य को स्वार्थी और गद्दार बताया। उन्होंने कहा कि मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद से उनकी पार्टी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मौर्य ने पार्टी छोड़कर पार्टी पर उपकार किया है। दिन रात फोन आते हैं कि अच्छा हुआ कि ये गद्दार आदमी पार्टी छोड़कर चला गया। तो मायावती मौर्य प्रसाद पर निशाना साध रही हैं, उन्हें गद्दार बता रही हैं। वहीं मौर्य भी पलटकर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जुबानी जंग जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बहुजन समाज पार्टी का अब तक का ये इतिहास रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे स्वार्थी व गद्दार लोग जैसे अनेकों या जो भी लोग समय समय पर बीएसपी को छोड़कर गए हैं तो वो अकेले गए हैं, उनके साथ उनका समाज नहीं गया। और इतना ही नहीं तो कुछ समय के बाद जो लोग पार्टी को छोड़कर गए अपने स्वार्थ की वजह से, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से जो लोग भी बीएसपी को छोड़कर गए तो वो खत्म हो गए, नजर नहीं आए राजनीति में, उनका अता पता कहीं नहीं मालूम पड़ा है। तो वहीं इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मायावती पर हमला बोला है। मौर्य ने कहा कि मायावती तानाशाह और सिर्फ अपनी तिजोरी भर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि दलित समाज बीएसपी को छोड़कर उनके साथ आएगा। मायावती की घबराहट साफ झलक रही है। मौर्य ने फिलहाल अपनी आगे की रणनीति का खुलासा नहीं किया और कहा कि आने वाले दिनों में वो भी अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। सम्मानजनक उन्होंने न बोलना कभी सीखा है न किसी को सम्मान देना जानती। सारे कार्यकर्ता से लेकर के विधायक सांसद पदाधिकारियों तक को उन्होंने अपमानित करके बाहर का रास्ता दिखाया है और बहुजन समाज पार्टी के गठन से लेकर के आज तक के इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब सुश्री मायावती जी को घुटना टेकना पड़ा और स्वामी प्रसाद मौर्य के दबाव में आकर के वो इतनी घबराई हुई हैं कि उन्होंने निकाले गए विधायकों को भी विनती करके बुलवाया, उनकी निष्कासन रद्द कर वापसी की, उनका कटा हुआ टिकट वापस किया, यहां तक कि जिनसे जो उनसे पैसा ली थी वो भी वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ही स्टैंड है जिसके नाते सुश्री मायावती जी को आज घुटना टेकना पड़ा है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक तिवारी लखनऊ से, हमारे संवाददाता। विवेक, दोनों के बीच में जुबानी जंग जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या मतलब निकाला जाए इसका? देखिए, काफी तीखी जंग अब शुरू हो गई है दोनों के बीच में। और जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल मायावती ने, रद्दा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी उनको कहा कि अकल ठिकाने आ गई है, कि सियानी बिल्ली खम्मा नोचे, इनको सियासत करना हम सिखा देंगे वगैरह वगैरह। दरअसल ये झगड़ा वोटों का हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उनका समाज मौर्य शाह के सैनी कुशवाहा, काफी दमदार उसकी हैसियत है उत्तर प्रदेश में, वो उनके साथ है। मायावती को इस बात की फिक्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि दलित अभी तक जो वोट उनको मिलता रहा है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कहीं और चला जाए। तो दोनों उस समाज पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। पहले वो अपने समाज को अपने साथ लेकर सहानुभूति जो उनके साथ बन रही है उसको पहले कैश कराना चाहेंगे, फिर उसके बाद अपने सियासी पत्ते खोलेंगे। तो मायावती को इस बात की चिंता है कि जो वोट उनको मिलता रहा है वो कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ चिटक ना जाए, इसलिए मौर्य पर आरोप लगा करके उस समाज को अपने साथ जोड़ने का दावा वो कर रही है। तो कुल मिलाकर के अभी ये जंग आगे और चलेगी जब तक कि आखिरी तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पत्ते नहीं खोलते हैं और ये नहीं बताते हैं कि उनका अगला सियासी कदम क्या होगा।